नमस्कार, आप देख रहे हैं N27 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ AK वर्मा। भारत पहली बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और वो अपनी अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट मीटिंग जो कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर होने वाली है उसमें कोई भी कमी या कोई भी चूक नहीं करना चाहता है। इसलिए पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाजे से सभी एहतियात बरती जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जगह जगह पर जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, चारों तरफ यहाँ पर ट्रैफिक कर्मी भी तैनात हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कमी ना हो जाए इसीलिए जगह पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इस समय हम लोग मौजूद हैं ली मेरिडियन की होटल के पास। यहाँ पर इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये ली मेरिडियन होटल है जहाँ पर चार देशों से जो प्रतिनिधि हैं वो आने वाले हैं, जिसमें नाइजीरिया है, स्पेन है, नीदरलैंड है, इसके अलावा मॉरिशस है। ये चार वो देश है जहाँ से ली मेरिडियन में विदेश से आने वाले जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर रुकने वाले हैं। सुरक्षा के लिहाजे से सभी यहाँ पर जो NSDA कमांडो है वो इस ली मेरिडियन होटल की छत पर मौजूद रहेंगे। वहीं अगर बात करें यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की, तो उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर सांग्रीला होटल ने उठाई है। इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सांग्रीला होटल है। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधि मंडल आएगा और उसके साथ यहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की जो मेज़बानी है वो यहाँ पर सांग्रीला होटल ने अपने कंधों पर उठाई है। यहाँ पर भारत में कि दिल्ली में ऐसे कई होटल हैं जहाँ पर VIP लोग रुकेंगे। दरअसल G20 समिट की जो बैठक है उसमें G20 सम्मेलन में समिट होने के लिए कई देश आ रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी भारत ने अपने कंधों पर ली हुई है और उनकी सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो सके, इसलिए लगातार सभी होटलों पर जो है कमांडोस लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा रोज़ाना यहाँ पर ड्रिल भी की जा रही है कि सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो सके। वहीं अगर बात करें दूसरे होटलों के बारे में तो इसके अलावा और भी कई होटल हैं जहाँ पर लगातार मेहमानों की नवाजी के लिए रोज़ाना नए नए पकवानों की जो जिक्र है वो किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाजे से ली मेरिडियन होटल में अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर रिहर्सल की गई थी कि किस तरह से यहाँ पर जो मेहमान हैं वो आएंगे और उनकी सुरक्षा को किस तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और दिल्ली को अभेद्य किले के रूप में एकदम तैयार कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर सड़कों को भी सजाया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो जाए इसलिए जगह जगह पर सुरक्षाकर्मी, जवान और NSDA के कमांडो को भी तैनात किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली में ऐसे कई होटल हैं जहां पर VIP मेहमान रुकने वाले हैं। हालांकि इस समय अब G20 की जो समिट बैठक है 9 और 10 सितंबर को, उस पर ही सभी देशवासियों की नज़र रुकी हुई है कि इस मीटिंग में कोई भी सुरक्षा से जो चूक है वो ना हो सके। कैमरामैन रोहन के साथ मैं AK वर्मा, N27 न्यूज़ दिल्ली। आप देख रहे हैं N27 न्यूज़, पकड़ हर खबर पर।